श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है लोकेशन के ऊपर। तो आज हम सीखेंगे लोकेशन कैसे बनाते हैं और मेन लोकेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, गोडाउन को ही हम लोकेशन बोलते हैं। और हमारी कंपनी में जो है, ये हमारी कंपनी है जो कि हरिद्वार में है, और हरिद्वार के जितने भी कस्टमर हैं तो उनको हमारी कंपनी का जो गोडाउन है, जिसे हम मेन लोकेशन बोलते हैं, वहां से माल जाता है और इसको बोलते हैं मेन लोकेशन। यानी हम जितना भी माल परचेज करेंगे और अगर हमने लोकेशन नहीं बनाया हुआ है कोई भी, तो वो मेन लोकेशन में ही जाएगा, यानी हमारी मेन कंपनी में जो मटेरियल है वो आएगा और यहीं से जाएगा रुड़की लोकेशन। अब ये दूसरी सिटी है, एक सिटी है रुड़की और एक है देहरादून। अब इसमें हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, यानी रुड़की में हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं, और उन कस्टमरों ने हमें ऑर्डर किया कि जी हमें 50 पीसी चाहिए। तो अब इस जो हमारा मेन लोकेशन है, इस गोडाउन से हमारा जो है ट्रक भर के जाएगा और वो वहां पे पहुंच जाएगा। बट उसी बीच में किसी और कस्टमर का, रुड़की लोकेशन से किसी और कस्टमर का कॉल आ जाता है कि जी हमें 50 पीसी और चाहिए। तो क्या होगा, तो वो ट्रक बीच में से तो वापस आएगा नहीं, वो माल पहले वहां पहुंचाएगा, फिर वो ट्रक वापस आएगा, है ना, और फिर दोबारा वहां से 50 पीस को लेके फिर दोबारा जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, कंपनी का टाइम वेस्ट होता है, कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, और इसमें फ्यूल का भी वेस्टिंग होता है। तो इन सब चीज से बचने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, जिस सिटी में ज्यादा कस्टमर होते हैं वहां पे एक नया गोडाउन खोल देती है, यानी नया स्टोर खोल देती है और उसमें माल भर देती है। और उसमें माल भरने के बाद जब रुड़की लोकेशन से कोई कॉल आएगी कि जी हमें 50 पीसी चाहिए या 100 पीसी चाहिए, तो क्या होगा, रुड़की गोडाउन से, यानी रुड़की लोकेशन से ही वो माल ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से देहरादून में भी जो है बहुत सारे कस्टमर हैं, तो इसमें भी नया लोकेशन बता देंगे जिसे हम बोलेंगे देहरादून लोकेशन। और जैसे ही देहरादून लोकेशन से कोई कॉल आती है, कोई ऑर्डर आता है, तो वो देहरादून लोकेशन से ही माल ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ से ना होके वो वहीं का वहीं हो जाएगा। इससे फ्यूल भी बचेगा और एम्प्लॉय का जो कोई है परेशानी भी नहीं होनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं लोकेशन कैसे बनाते हैं। तो रुड़की लोकेशन बनाएंगे अभी हम और देहरादून लोकेशन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टैली में। तो फ्रेंड्स, टैली को हमने ओपन कर रखा है और ये है हमारी कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले लोकेशन बनानी है, तो बनाने के लिए हम जाएंगे क्रिएट में। तो क्रिएट में जाने के बाद आप जाएंगे, आपको मिलेगा इन्वेंटरी मास्टर में लोकेशन। तो इन्वेंटरी मास्टर में हम लोकेशन पर चले जाते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है सी का मतलब होता है क्रिएट न्यू लोकेशन। अगर आप कोई नई लोकेशन बनाना चाहते हैं तो आप सी पे क्रिएट करेंगे, और अगर आप पहले से बनी बनाई लोकेशन में कुछ नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप ए बटन को दबाएंगे। तो हम नया बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सी बटन को दबा देते हैं, या क्रिएट न्यू पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो एक लोकेशन बनाना है, हमको वो बनाना है रुड़की लोकेशन, तो हम यहाँ लिख देते हैं रुड़की लोकेशन। आपको एंटर बटन पुश करना है और करते रहना है। इसके बाद यहाँ पे यस बटन आएगा और यस बटन को दबा देना है। फ्रेंड्स, एक था हमारा देहरादून लोकेशन, तो हम बना लेते हैं देहरादून लोकेशन। एंटर बटन पुश करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे और एंटर करेंगे और यस बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे दोनों लोकेशन बन चुके हैं और अब हम देखना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से लोकेशन बने हुए हैं। तो वो देखने के लिए आपको जाना है डिस्प्ले में और यहाँ पे जाना है आपको इन्वेंटरी बुक में और यहाँ पे जाना है आपको लोकेशन में। तो देखिए, यहाँ पे हमारे तीन लोकेशन दिखा रहा है, एक देहरादून लोकेशन, एक मेन लोकेशन, एक रुड़की लोकेशन। तो फ्रेंड्स, मेन लोकेशन जैसा कि हमने अभी बताया था, मेन लोकेशन वो लोकेशन होती है जो हमारी कंपनी मेन, जहाँ पे कंपनी हमारी होती है, तो उसके अंदर का जो गोडाउन होता है उसे हम मेन लोकेशन ही बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं देहरादून लोकेशन में क्या क्या इन्वेंट्री रखी है। तो हम इसे देहरादून को सिलेक्ट करेंगे, एंटर बटन पुश करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि ना तो हमने कोई परचेज करके उसमें कुछ रखा है और ना ही वहां से सेल हुआ है, तो अभी वहां पे कुछ भी नहीं है। हम देखना चाहते हैं मेन लोकेशन में क्या है, तो मेन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं कि इसमें पहले से ही बहुत सारी हमने एंट्री वाउचर की एंट्री कर रखी थी,
तो इसमें दिखा रहा है जी इतना 60 नोस क्वांटिटी, ये हमारे नेटवर्किंग डिवाइस है, बल्ब है 27, ये पूरी डिटेल यहाँ पे इन्वेंट्री की आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देख सकते हैं हमारी लोकेशन में अभी क्या क्या सामान है, क्या क्या आइटम है। तो फ्रेंड्स अब हमने लोकेशन तो बनाना सीख लिया, अब हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप कोई लोकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा अल्टर में। अल्टर में सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन पुश करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे लोकेशन पर। तो लोकेशन पर जाने के बाद देखिए ये तीन हमारी लोकेशन दिख रही है, मेन लोकेशन है ये। देखिए मेन लोकेशन को अगर हम ऑल डी करेंगे तो ये डिलीट नहीं करेगा क्योंकि इसमें से पहले से इन्वेंट्री है। अगर किसी लोकेशन में अंदर कोई इन्वेंट्री है, आइटम्स के आइटम है, तो वो डिलीट नहीं होगा। बट हमने जो अभी देहरादून लोकेशन और रुड़की लोकेशन बनाया था हम इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। हम देहरादून लोकेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो देहरादून लोकेशन को सिलेक्ट करके आप एंटर बटन पुश करेंगे और यहाँ पे दबाएंगे आप ऑल्ट के साथ डी बटन, यानी ऑल्ट बटन दबा के रखना है, एएलटी ऑल्ट को बटन को दबा के रखना है, पुश करके रखना है और डी बटन दबाना है। तो डी हमने दबाया ऑल्ट के साथ और ये पूछता है आपको डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे यस बटन पे क्लिक कर देते हैं। देखिए वो लोकेशन डिलीट हो गई। इसी तरह से हम रुड़की लोकेशन को भी डिलीट करना चाहते हैं तो हम एंटर बटन पुश करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट डी बटन दबाएंगे और यस बटन पे क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स वो भी हमारा डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि हम लोकेशन को कैसे बनाते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स आगे वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो लोकेशन है उसमें माल को कैसे उसके माल को कैसे लाते हैं या सेल करते हैं, तो उसमें से कैसे कम होता है या कैसे बढ़ता है, तो वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।